फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। भैया आपके घर पे हम आए, हम यहाँ पर गांव में भ्रमण कर रहे थे, देख रहे हैं तुम्हारे पास एक छप्पर का घर है। हाँ। ये एक छप्पर का घर है। हाँ। चूल्हा तुम्हारा ऐसे खुले में है। हाँ। ये आपकी घर गृहस्थी है। हाँ। और ये सामने आपका बैठका है। हाँ। मतलब यार एक को ईंटा तुम्हारे घर में, तो मैं पांच ईंटा छोड़ो एक ईंटा नहीं दिख रहा कहीं। नहीं दिख रहा है, काहे नहीं, यहाँ की सरकार सुनवाई नहीं करती है ना। नहीं, अब ना आवास ना, योजना मिल रहा है ना आजकल? ये अब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिले तो देखो ना, ईंट भी पड़ी होती है। आपने भरा फॉर्म, फॉर्म भी भरा था, सारा कुछ प्रधान भरा से था, संपर्क किया? प्रधान भी संपर्क किया, प्रधान भी नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना उन्होंने? कुछ बताया उन्होंने? प्रधान है कि यह है कि कहता है कि मुझे वोट नहीं दिया है। प्रधान जी कहते हैं वोट नहीं दिया है। हाँ प्रधान जी, ये आपका कर्तव्य बनता है, चाहे आपको उसने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, आप यहाँ के अब जनप्रतिनिधि ये हैं। तुमको, तुम सच एक बताऊं, प्रधान जी हर जगह गांव में सब नालियों में सफाई करवा रहे हैं। अब देखो सामने यहाँ पे बर्तन धोते हैं, तो नहाते धोते हैं, रात में मच्छर काटते हैं कितने, तो पूछो ना ये नान नान बच्चे हमारे कहाँ सोएंगे। ये कभी सफाई करवाया है प्रधान से, पूछो कभी। अभी क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर अभी रहे ये हो? देखो छप्पर छाया है, ये दूसरे की जमीन है, अच्छा, ये थून लगा रहे हो? ये थून थून लगा काम रहे लगा हम, रहे थे। ये छप्पर छाने के लिए। हाँ ये पप्पा सुन देखो ले, छप्पर छाया हमने दूसरी जमीन में, मेरे हाँ पास जगह नहीं है कोई, ना अच्छा, दूसरे खेती की है। जमीन में ये सोचा है? दूसरे बड़ बंदा को हाथ पैर जोड़ के मैंने उससे विनती की है कि कैसे मैंने माने हो, कि कहता कोई नहीं छा लो, गरीब बंदे हो तुसी लोग, आए तो कह रहे कि छा लेना, सफाई थोड़ा कर देना, ये जो कचड़ा चढ़ा है ये ये इकट्ठा चले हुआ, जाए, ये सब गंदा हुआ, सब है। साफ चलो, वो तो करना है ना पड़ोसी धर्म है, उसने आपको वो अपनी तो। जमीन हाँ यूज करने को कही, मौके पे कर लीजिए। नहीं अच्छा, का जैसा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको सरकार की तरफ से 5 किलो राशन मिलता है? नहीं, एक भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है? 5 किलो या 2 किलो भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता भैया, आप नहीं यहीं के मिलता। निवासी हो कि मंगल ग्रह से आए हो? यही के निवासी है, हमें तो लग रहा मंगल ग्रह से आए हो, क्योंकि मंगल हम ग्रह से। सच में देख रहे हैं ना, दीवार है तुम्हारे पास। आओ कैमरा मैन हमारे साथ आएंगे, प्लीज एक मिनट आए। ये देखिए, छप्पर पे इन्होंने मट्टी लगा रखी है शायद, ताकि इस पे आग ना पकड़े, देख रहे हैं ना। डब्बों के ऊपर हालत देखो, मसाला, ये इनकी घर गृहस्थी है और यही इनके पास अनाज है। तो 5 किलो राशन तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं ना आप? 5 किलो राशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तो सरकार के पास आपने कभी एप्लीकेशन लिखी हो, आला अधिकारियों के पास पहुंचाई हो कि मेरे पास ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, मैं भी इसी ग्रह का गए थे अच्छा, नागरिक हूं और वोटर हूं इस देश का? क्या अरे वो सुनवाई कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारे, नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार? हाँ पूरा नाम? कहीं कहीं पूरा नाम राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम, बहुजन समाज से आते हाँ हैं जी, आप? बहुजन समाज से आते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरे देश से घुसपैठी बन के आए हो? ऐसा तो नहीं, होता तभी तो तो, आपको सर्विस नहीं मिल रही है। ऐसा तो होता ना तो अच्छा होता, जहाँ थे वहीं ठीक रहता, जो यहाँ तंबू तान के रहते हैं यहाँ छप्पर तंबू में, तान के रहते हैं? जो छप्पर जो ये देखो तंबू ताना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं? एक दो लड़के एक लड़का है, अच्छा, ये आपके ये हैं हमारे बच्चे। जी? घर नहीं है आपके पास? हाँ सरकार जी, कहती है हमने आवास योजना दिया है, आवास शौचालय दिया योजना है, होती ना तो आज हम दो लोगों मिनट को भैया, मिलता। है शौचालय दिया है, 5 किलो राशन दिया है, मूलभूत सुविधाएं, जल नल दिया है, आपके दरवाजे पे एक नल है, हमको कुछ ठीक नहीं है, दिया, हमको कुछ नहीं दिया आज तक, हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ कुछ नहीं मिला है, भी नहीं मिलता यहाँ पे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको सब कुछ मिलना चाहिए, सब क्यों कुछ नहीं मिल रहा। वोट वोट किसको दिया था? तो मोदी को दिया था, मोदी जी को वोट दिया था और मोदी जी से आप सामान नहीं ले पा रहे हैं? नहीं हम पाए नहीं रहे तो लेंगे कैसे, हमको दे ही नहीं रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया, जैसे यहाँ पर आपको खाना बनाने के लिए चूल्हा आपका लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर छप्पर नहीं है और छप्पर भी हमें दिख रहा है जली हुई है, आपने मट्टी लगा रखी है, शायद वो आग ना पकड़े वहां पर, इसलिए मट्टी लगाई है, हाँ मैंने तो मट्टी आपको लगाई, खाना बनाते समय बहुत दिक्कत आती है या नहीं आती है? बहुत ये दिक्कत तो धूप आती है। देख रहे तीन हैं, इतनी बढ़िया धूप पड़ रही है, ठीक है। तीन बच्चे हैं, मैं धूप में खाना बनाती हूँ हर चीज, हमको कुछ नहीं मिलता। मोदी जी, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रधान जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इन दोनों को मत देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, धूप में बैठते हैं, ये गर्मी ऐसी है कि आदमी पेड़ के नीचे, इनके दरवाजे पे एक पेड़ है नीम का, लेकिन वो पूरी तरह से पनप नहीं पाया है, ठीक है, तो छाया इनके पास अभी है नहीं, जब तक ये पेड़ बड़ा नहीं जाता तब तक एक छत दे दीजिए, क्योंकि आप दे भी रहे हैं बहुत छत लोगों को, ठीक है। आपके पास मैं देख रहा हूँ चूल्हा जल रहा है, लेकिन लकड़ियां आपके पास कम है, लेकिन गैस लकड़ी सिलेंडर भी नहीं है यहाँ पर, नहीं, कुछ उज्ज्वला नहीं, योजना छोड़िए, आप गैस सिलेंडर पे खाना नहीं बनाती हैं? नहीं हम मन चूल्हे करता है पे, खाना बनाने का गैस सिलेंडर पे? हाँ जी करता है लेकिन है ही नहीं तो फिर कहाँ से हम बनाएं। अच्छा, सिलेंडर ले लेंगे तो सिलेंडर का दाम पता है आपको क्या है? नहीं हमको नहीं पता, हम बता देते हैं, अभी के दौर में 900 रुपए के आसपास है, 800 या 900, ठीक
ठीक है, अभी के दौर में पहले 1200 का भी गया था, अगर मिल जाता तो क्या भरवा पाती? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बच्चा 3-3 जी आऊँ की मैं गैस भराऊंगी। तो लकड़ी ज्यादा अच्छी है? लकड़ी ठीक है। छत की पहली डिमांड होगी और शौचालय की डिमांड होगी? अगर मिलता है, सस्ता करते हैं तो फिर ले लूंगी, नहीं तो कहाँ से लूंगी, मेरे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, पढ़ता है कोई इनमें से? लड़की पढ़ती है। लड़की पढ़ती है। बेटा धूप या गर्मी लगती है यहाँ पर? लगती है। ठीक है, बरसात और साथ में भीगने का डर लगता है? भीगते हो क्यों? मम्मी पापा बचा लेते हैं, माँ बाप है ना साहब, जिम्मेदारी निभाएंगे, पैदा किया है तो पालेंगे, और जिनके हैं ही नहीं वो क्या देखेंगे क्या पालेंगे। हाँ जी भैया, कुछ ऐसा जो सरकार को कहना चाहते हो, निवेदन करना चाहते हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सारे आंकड़े बेकार दिख रहे हैं, ना घर है, ना जल है, ना नल है, ना गैस है, ना शौचालय है। मूलभूत अगर सुविधाओं की बात करूं तो इस भाई के पास एक सही से चारपाई नहीं है। बताओ तो इस सरकार में मुझे कुछ नहीं मिला है, सच में बताऊं तो। अरे हम कह रहे हैं इस सरकार में नहीं, तुम्हें किसी सरकार में नहीं मिला यार। ना किसी सरकार, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारा भाई बहन नहीं है, तुम्हारे पास यही 8-10 साल हो गए ये सरकार में नहीं हुई, और बाकी इतनी सरकार गई तो कुछ नहीं हो पाया, तब क्या होगा? अब जितनी सरकारें बनेगी इसमें हमें क्या मिलेगा? जो इतनी निकल आया है, जो इतना समय निकल गया है, जो चला गया है, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, तब की सरकार आएगी तो इसमें क्या होगा? तो जैसा आपने बताया कि जो सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो ये जो सरकार अभी जो राहुल गांधी जी घर घर जाकर के जन न्याय बता रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, 5 गारंटियां, ठीक है, 5 न्याय और 25 गारंटियां दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपने पढ़ा या जाना है, सुना? हाँ हाँ सुना है, तो आया था मेरे पास कार्ड भी, आया था कार्ड। तो उम्मीद है आपको? उम्मीद तो मुझे लग रही है शायद अब की बार राहुल गांधी कांग्रेस पंजा निकल गया तो शायद मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा। अच्छा, तो शायद मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं अमित जेपी शुक्ला आपके लिए इसी जगह रहूंगा, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार जीतेगी आपको छत जरूर मिलेगी। प्रधान जी से बार बार आपके लिए निवेदन करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, लड़ूंगा तो नहीं पर हाथ जोड़ के उनके लिए आपसे बात करूंगा कि ऐसे आदमी को ये पात्र नहीं है तो कौन पात्र है। तो दिलवा दोगे तो आपकी लोगों की यही मेहरबानी होगी सरकार की, आपको देख के नहीं, आप तो मेरे को पता है किसी तरह के बच्चों को देख करके कि इनको मिल जाए। अच्छा एक बात, तो 5 किलो राशन नहीं मिलता, खेती आपके पास है नहीं, आपने भी मुझे बताया जैसे कि, ठीक है, तो आप अपने जीविका कैसे चलाते हैं? जीविका है कि जैसे सर कोई जिससे बात खेती है कुछ ज्यादा तो उसके पास हम काट लेते हैं, खेत काटने चले जाते हैं, मजदूरी, मतलब मजदूरी में कर लेते हैं। ये देखो 3 बोरी काटी थी दूसरे के खेतों में, 3 बोरी। हाँ, साल भर चल जाएगा इससे? नहीं चलेगा, तो फिर खरीद के मजदूरी, रोज की दिहाड़ी, रोज की खानी है, कमानी है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। हाँ, जो सरकार इतने सारे वादे करती है, जब टीवी पे या इश्तेहार पे या गाड़ी और रैलियों में आप देखते हो कि हमने ये दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति निराशा नहीं होती क्या? सब कुछ नहीं होता। अरे बहुत, जब ऐसा दिलासा देते हैं ना तो हम लोग दिलासा नहीं मानते, क्योंकि दिलासा माने ये जब यहाँ तक पहुँचता नहीं है तो हम दिलासा क्यों माने? कहा जाता है जब चुनाव आता है तो गरीब की थाली में पुलाव आता है, दिलासा माने कि यहाँ तक पहुँचता नहीं है, जो आगे रास्ते आता है तो प्रधान इधर उधर कर देता है, जिसका नाव चढ़ता है काट के दूसरे का नाव चढ़ा देता है, प्रधान का ऐसा काम है। आप लोगों ने सुना, मैं फिर से कहूंगा कि एक मैं शॉर्ट रील भी डालूंगा इसके लिए, ताकि आप 30 सेकंड में इस जगह को देख पाए, समझ पाए, ये व्यक्ति सच में डिजर्व करता है, ये पात्र है, ना छत है ना दीवार है, ठीक है, ना घर है ना द्वार है, थूनी थाम और छप्पर पे रह रहा है, एक छप्पर उसने डाल रखा है, 3 छोटे बच्चे हैं, बरसात गर्मी सर्दी धूप, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ादायक होती है ये धूप, डिहाइड्रेट होती है बॉडी और आदमी को बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बच्चों की चिंता करो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं प्रधान जी से, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने सांसद जी से कि इनकी का समस्या सुनी जाए, और आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करें, ठीक है भैया? और अगर आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो मीडिया को और क्या कहते हैं जो पब्लिक है, जो पहुंचाएगी आपकी वीडियो, उनको थैंक यू कहेंगे ना? हाँ बोलेंगे, धन्यवाद कहेंगे ना? धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद कहूंगा भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आज तक मैं अपनी वीडियो पे कभी नहीं बोलता हूँ शेयर करो, इनकी समस्या, इन सबकी समस्या इतनी दूर तक जानी चाहिए कि पता चले भारत के अंदर ही है। ये गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, जगह कौन सी है? ये है रायबरेली खदरी, रायबरेली खदरी, हाँ, रूपामऊ पोस्ट लगता है, रुकमा रूपामऊ, रूपामऊ पोस्ट है, ग्राम सभा खदरी, ग्राम सभा खदरी खदरी, और जिला रायबरेली, जिला रायबरेली, ठीक है। आपका नाम?
राजकुमार। राजकुमार हाँ। अगर कोई तुम्हारे पास आना चाहता हो, तुमसे मिलने, तुम्हें देखने आना चाहता हो, तो कैसे आएगा वो? ये स्कूल है, ये सरकारी पता बताओ कैसे आएगा वो यहां? जैसे रूपा मोह से आए, नहीं जैसे रायबरेली से, यहाँ डिगिया है, डिगिया से जैसे जाएगी खदरी, चमारो यादव की खदरी है, रविदास, रविदास चमारन की रविदास है, खदरी कहते हैं, कोई भी पूछ, रविदास ही है। हाँ रविदास है। मैं बहुजन समाज से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए, पोस्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, लाइक और कमेंट की जरूरत नहीं है, पर शेयर ज्यादा हो ताकि जो लोग इनकी मदद कर सके वहां तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित जेपी शुक्ला।